नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तर भारत में आंधी तूफान ने बरपाया कहर। तूफान के चलते हरियाणा और दिल्ली में कई जगह आज स्कूल बंद। 13 राज्यों में अलर्ट जारी। कर्नाटक सरकार को कमीशन वाली सरकार कहने पर फंसे पीएम मोदी। सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी और अमित शाह को भेजा नोटिस। मानहानि का दावा करने की दी चेतावनी। कर्नाटक किरण के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज पहली बार बीजेपी बेंगलुरु के लिए अलग से जारी करेगी संकल्प पत्र। पीएम मोदी भी करेंगे 3 रैलियां। कर्नाटक के अंतिम चरण में पहुंचा चुनाव प्रचार। बीजापुर जाएंगी सोनिया गांधी। राहुल गांधी चिकबल्लापुर में करेंगे प्रचार। सीजेआई के खिलाफ महाभियोग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। कांग्रेस ने चीफ जस्टिस पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर दायर की याचिका। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। योजना लागू करने के लिए केंद्र सरकार से कोर्ट ने मांगा है जवाब। जम्मू कश्मीर के वड़गांव में पत्थरबाजों की हिंसा। पथराव में पर्यटक की मौत। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा सिर शर्म से झुका। अफगानिस्तान में अगवा 6 भारतीयों के मामले में सरकार ने भारतीय राजदूत को दिलाया भरोसा। अगवा लोगों की रिहाई में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सोनम कपूर आनंद आहूजा के साथ लेंगी 7 फेरे। संगीत सेरेमनी में जमकर थिरके फिल्मी सितारे। पिता ने भी किया भांगड़ा। और आईपीएल में हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हुआ रोमांचक मुकाबला। हैदराबाद ने आरसीबी को 5 रनों से हराया। तो ये थे इस वक्त की बड़ी खबरें। आप देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।